हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए एनिमे सीरीज के बारे में, तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने बहुत सारे एनिमे सीरीज आपको बताया है, पर आज की जो एनिमे सीरीज है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एनिमे सीरीज है। जब आप इस एनिमे सीरीज को वॉच करोगे तो आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। मैं एक तरीके से कहूँ तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा, इतना इंटरेस्टिंग एनिमे सीरीज है। इसमें जो मेन चीज देखने को मिलती है ना, वो मिलती है कि कैसे एक बंदा जीरो लेवल से शुरू करता है और कैसे एक बहुत बड़ा राजा महाराजाओं की तरह जीता है, जिसके अंडर में बहुत तरह तरह के नए नए डीमंस के ऊपर राज करता है। ये पूरी चीज इसके अंदर दिखाई गई है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग सीन्स लगते हैं वो ये है कि कैसे ये फाइट करता है और कैसे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को अपने अंदर कहते हैं कैप्चर कर लेता है, मतलब उनको अपना गुलाम बना लेता है। सब इसके एक एक करके जितने भी मॉन्स्टर होते हैं इस वर्ल्ड में, सबके सब इसके अंदर काम करने लगते हैं, क्योंकि एक ये चाहता है कि एक ऐसा राजा बने, एक ऐसा किंग बने जो कि सारे डीमनों को जो लड़ाइयां होती है ना उसे बंद करा सके। इसमें सिंपली क्या होता है, एक बंदा मर जाता है और उसके बाद वो जो है ना वो रेनकास्ट होता है एक स्माइल के रूप में, और फिर उसके बाद वो जो है वो फाइट्स करना शुरू करता है अलग अलग डीमन से, बहुत सारी चीजों को गेन करता है एंड बहुत सारी पावर गेन करता है और धीरे धीरे करके फाइट करता है और एक बहुत बड़ा राजा महाराजा जैसा बन जाता है, और उसके नीचे बहुत सारे डीमन जो होते हैं वो उसके नीचे काम करते हैं। सिंपली ये पूरी स्टोरी इसी के ऊपर है। इसमें शुरू में आपको दिखाया जाएगा कि कैसे एक स्माइल ने एक ड्रैगन को कैप्चर कर लिया, सिंपली ऐसी चीजें दिखाई गई है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप सिंपली जाके देख सकते हो। ये आपको ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इसे आप किसी वेबसाइट पे निकाल के भी देख सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एनिमे सीरीज है। इस एनिमे सीरीज का नाम है आई रेनकास्ट एज ए स्माइल, जो कि आप इजीली यूट्यूब पे देख पाओगे, जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है आई थिंक एंड इंग्लिश में अवेलेबल है। आप सिंपली इसे जाके देख सकते हो, जब भी चाहिए सिर्फ वॉच कीजिए।